जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं रमेश एडवोकेट अपने इस एमटी डॉक्यूमेंटेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आपको बताया कि मैं वीडियो ट्रांसफर से रिलेटेड डालता रहता हूँ। आरटीओ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरा चैनल देख सकते हो और कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसके जरिए मैं आपको बता सकता हूँ कि काम कैसे होगा। तो ऐसे एक भाई हमारे, उन्होंने चैनल देखा था, उन्होंने गाड़ी की एनओसी ली थी वजीरपुर अथॉरिटी से और वो अपने स्टेट में हरियाणा में किसी कारणवश रजिस्टर नहीं करा पाए थे, क्योंकि BX3 BX4 का कुछ इशू था। लेकिन वो फिर आरटीओ में विजिट करे, उन्होंने कहा जी ये एनओसी आप कैंसिल कर दीजिए। लेकिन उन्होंने एनओसी कैंसिल नहीं की और किसी ने उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया कि काम होगा या नहीं होगा। कईयों ने तो ऐसे बोला कि भैया इस गाड़ी को स्क्रैप करा दो। जब मेहनत की कमाई हुई पैसों से गाड़ी ली जाती है ना, तो उसे स्क्रैप में डाल भी नहीं सकते। तो इसीलिए ये भाई साहब हमसे कॉन्टेक्ट करके हमारे पास आए। तो अब इनका काम कैसे, क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं था, तो इन भाई साहब से हम जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार भाई साहब, भाई साहब जो आपने एनओसी ली थी तो कौन से स्टेट के लिए ली थी? हरियाणा के लिए ली थी सर, इस साल के लिए। तो वहाँ पे रजिस्टर नहीं हो पाई थी? नहीं सर, वो मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपने क्या सोचा? फिर मैं एनओसी कैंसिल के लिए आरटीओ वजीरपुर गया था। ठीक है, उन्होंने साहब मना कर दिया कि भाई ये कैंसिल नहीं होगी, इसको स्क्रैप में कटवा दो। तो फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो आपकी वीडियो सामने आई, फिर आपसे कॉन्टेक्ट किया और आपने मेरे को सही गाइड किया और बहुत कम फीस में मेरा एक काम हो गया। देखो गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है ना, तो उसके एक ऑफिस ऑर्डर होते हैं। गवर्नमेंट कोई भी, जैसे संविधान, हमारा भारत एक संविधान पे चल रहा है, मतलब संविधान पे चल रहा है हमारा भारत, तो हर चीज के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल एंड रेगुलेशन बना रखा है कि ये काम होगा ये काम नहीं होगा, नहीं होगा तो उसका ऑफिस ऑर्डर होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इस तरह की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, बस वर्बली मना कर दिया कि जी नहीं होता कटवा दो। मतलब कोई भी प्रॉपर तरीके से ज्यादा से ज्यादा पैसे बंदे को नॉलेज नहीं है और इसीलिए फिर बंदा हैरेसमेंट हो गए, पैसे देना पड़ता है या फिर मतलब चक्कर काटने के चक्कर में सोचता कि चलो भाई पैसे देगी काम हो रहा है। और ये फर्स्ट व्यू है जो मैं डाल रहा हूँ, ऐसे कई लोग आए लेकिन मैंने कभी डालने की नहीं सोची, लेकिन मुझे लगा कि डालना चाहिए ताकि लोगों का ट्रस्ट बने। हम ट्रस्ट के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि विश्वास ही ऐसा है जिसके बदौलत ये दुनिया चल रही है। और हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि ताकि आप लोगों को नॉलेज हो काम की, ताकि कोई बंदा आपको बेवकूफ ना बना सके कि भाई ये काम ऐसे नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास किया है जिसकी वजह से नहीं होगा। BX3 BX4 का उसमें काफी कुछ है, अगर जानोगे तो काफी कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ मैं अब ज्यादा नहीं टाइम लूंगा इस वीडियो में। छोटी सी एक हमारी क्लिप है जो हमने बनाई है सिर्फ व्यूज के लिए, कि एक भाई ने हमारा वीडियो देखा था, उस वीडियो के जरिए वो हमसे कॉन्टेक्ट करा और हमने उनको राय दी और एक फाइल बना के दी कि कैसे काम होता है, जिसकी वजह से भाई की एनओसी कैंसिल होगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजेंट कितने कितने पैसे मांगते हो, तो लोगों को पता ही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप प्लीज अपने काम के लिए जागरूक रहिए। अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो दिल्ली आरटीओ से रिलेटेड और आपको किसी का प्रोसेस नहीं पता कि इस काम का कैसे प्रोसेस होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। जय हिंद जय भारत।